कल्पना कीजिए कि कहीं कोई ऐसा मंच हो जहां हुनरमंद हाथों की कला के कद्रदान हो और मंजुषा कला, मधुबनी पेंटिंग और सिल्क साड़ी जैसी नायाब परंपरागत कला की प्रदर्शनी लगी हो। कहीं महिलाओं के लिए अलग अलग तरह की ज्वेलरी की नुमाइश हो तो कहीं शहर की गणमान्य नारी शक्तियां एक मंच पर आसीन हो। ये साकार हो रहा था अंग नगरी भागलपुर में लायंस क्लब की ओर से आयोजित दो दिवसीय हाटे बाजार मेला में, जिसकी शुरुआत शनिवार को CMS हाई स्कूल में हुई। इस कार्यक्रम का उद्घाटन भागलपुर नगर निगम की महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल, पूर्व महापौर डॉक्टर वीणा यादव, पूर्व डिप्टी मेयर डॉक्टर प्रीति शेखर, जिलापाल विनोद अग्रवाल और चैंबर अध्यक्ष श्रवण बाजोरिया ने संयुक्त रूप से किया। हमारे संवाददाता प्रीतम पांडे ने इस मेले का जायजा लिया। देख रहे हैं भागलपुर में हाटे बाजार लगा हुआ है, जो भागलपुर के CMS स्कूल के ग्राउंड में लगा है। और ये जो हाटे बाजार का आयोजन किया गया है वो लायंस क्लब के द्वारा किया गया है और ये एक अनूठी पहल है लायंस क्लब के द्वारा। लायंस क्लब की ओर से आयोजित इस हाटे बाजार मेला का उद्देश्य जहां एक ओर लोगों को सेवा लाभ के लिए आमंत्रण देना था, वहीं दूसरी ओर मेले के रूप में मनोरंजन के साधन भी उपलब्ध कराना था। हम इस हाटे बाजार के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं समाज के लोगों को कि आप आए और इस मेला में घूमें और मेला में हमारे जो सेवा के प्रकल्प हैं उनको आप जरूर देखें और उन सेवाओं को भविष्य में आप उसका लाभ लें। हमारा लक्ष्य है सेवा। हम हाटे बाजार के माध्यम से उनको आमंत्रित कर रहे हैं समाज के लोगों को कि आप आइए, क्योंकि अगर केवल सेवा का अगर ये प्रकल्प होता तो बहुत कम लोग आते हैं, लेकिन हाटे बाजार होने से, मेला जैसा स्वरूप होने से, खेलने का, बच्चों के खेलने का और परिवार के साथ आने का होने से आज यहाँ लाखों की भीड़ आने वाली है। इस हाटे बाजार मेला में 65 स्टॉल लगाए गए हैं, जिनमें गोबर से निर्मित दीपक के स्टॉल, शुद्ध सरसों तेल का स्टॉल, मंजुषा कला, मधुबनी पेंटिंग, सिल्क साड़ी और पौधों के स्टॉल आकर्षण के केंद्र रहे। स्थानीय लोग, खासकर महिलाएं, इस मेला को लेकर खासी उत्साहित नजर आ रही थीं। मैंने अभी इनका पेस्ट्री खाया जो कि बहुत टेस्टी था, बहुत यम था, और इनके शॉप का नाम भी ट्रूली यम है, जो सीरियसली बहुत यम है। और जैसे कि आप ये पेस्ट्री देख सकते हैं, फ्रेश क्रीम का बना हुआ है और ये बहन भी बहुत अच्छी है, खिलाती भी बहुत अच्छे से और बनाती भी बहुत अच्छे से। तो आप लोग एक बार यहाँ आए और जरूर खाएं ट्रूली यम में। थैंक यू। लघु उद्योग और घरेलू उद्योगों के माध्यम से निर्मित विभिन्न उत्पादों की खरीदारी के लिए भी ये मेला एक बेहतर अवसर साबित हो रहा था। ये देशी होम फ्लेवर हमारा ब्रांड है, उसका शुद्ध सरसों तेल है, सत्तू है, बेसन है, और हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को स्वस्थ रहने के लिए शुद्ध चीज़ का मुहैया कराएं और शुद्ध प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचाएं। इस मेले में देश की अग्रणी बैंकों में शुमार HDFC बैंक ने प्रायोजक के तौर पर हिस्सा लिया। बैंक ने स्टॉल के माध्यम से कार लोन, होम लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, गोल्ड लोन, टू व्हीलर लोन और विभिन्न बैंकिंग प्रोडक्ट्स का प्रदर्शन किया। HDFC बैंक के स्टॉल पर भागलपुर की मेयर वसुंधरा लाल सहित अन्य गणमान्य अतिथियों ने आकर बैंक कर्मियों को प्रोत्साहित किया। समाज की आती है, जब बात कल्चर की आती है, तो HDFC बैंक इसमें एक बैंक का भी एक रोल इस सोसाइटी में है और हम लोग उस रोल को निभाने के लिए यहाँ पे हैं। हम लोगों के यहाँ पे जो हर साल, जैसा कि आपको पता है, लास्ट ईयर भी हम लोगों ने HDFC बैंक का एक्सक्लूसिव लोन मेला किया था और हम लोग फेस्टिवल के दौरान फेस्टिव ट्रीट्स जो है वो हमारा जो एक कैंपेन चलता है और उस कैंपेन के तहत हम लोग लोन मेला करते हैं। हम लोग बहुत तरह की आयोजन करते हैं, बहुत अच्छे से लोन के ऑफर्स लेके हम लोग आते हैं। हम लोग उन्हीं ऑफर्स के साथ इस साल दोबारा आए हैं। हमारे सारे लोन्स के काउंटर हैं हमारे पास, हमारे लिए कार लोन है, होम लोन है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, टू व्हीलर लोन है, पर्सनल लोन है, बिजनेस लोन है। ये सारे लोन्स के रिक्वायरमेंट आप हमारे काउंटर पे आ सकते हैं। इस कार्यक्रम के अगले चरण में कृष्ण कलायन कला केंद्र की प्रणेता श्वेता सुमन ने याज्ञसेनी और मीरा नृत्य नाटिका का मंचन किया। श्वेता सुमन ने अपने नृत्य और अभिनय से कार्यक्रम को जीवंत कर दिया।
इस नृत्य नाटिका के माध्यम से नारी सशक्तिकरण के साथ साथ अध्यात्म और संस्कृति की झलक भी देखने को मिली। भागलपुर से न्यूज फॉर इंडिया के लिए प्रीतम पांडे की रिपोर्ट।